हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से का जो वीडियो है ये न्यू अपडेट को लेके आया हुआ है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें कुछ न्यू नोटिफिकेशन, कुछ न्यू अपडेट इग्नो की तरफ से डाली गई है, इसीलिए हम इग्नो की वेबसाइट पे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर वो न्यू नोटिफिकेशन क्या है न्यू अपडेट आपके लिए। लेकिन उसके पहले क्या करना है, आपको पता ही रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो जो न्यू अपडेट है वो ये है कि नोटिफिकेशन रिवाइज ये है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेट्रा फॉर 30 दिसंबर 2020। यानी कि जो दिसंबर 2020 में एग्जाम होने थे, जो अब एक्सटेंडेड यानी कि पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब जो ये एग्जाम्स होंगे कब होंगे? फरवरी में, ठीक है ना। तो जो उनकी असाइनमेंट लास्ट डेट थी, किसकी? असाइनमेंट की और एग्जाम फॉर्म भरने की, रिपोर्ट वगैरह की, जो थीसिस वगैरह होती हैं, इन सभी की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है, ठीक है, न्यू नोटिफिकेशन यही है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और पूरी डिटेल देख लेते हैं कि आखिर लास्ट डेट जो है वो क्या रखी गई है। ओके, तो अभी जो लास्ट डेट थी वो 15 दिसंबर थी। आई थिंक इसको अब 31 दिसंबर कर दिया गया होगा, ठीक है। चलिए जो है डाउनलोड हो जाए पीडीएफ, तो हम आपको बताते हैं। मेरे ख्याल से 31 दिसंबर ही होगा, क्योंकि अभी हमने पीडीएफ देखा नहीं है, जस्ट यहाँ पे आए हैं और आपके सामने हम वीडियो जो है बनाने लगते हैं। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा डाउनलोड होने देते हैं। तो जो ये नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो गई है और ये 14 दिसंबर की है, यानी कल की है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि दिसंबर 2020 टर्म इंड एग्जामिनेशन आर टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021, यानी कि 2021 की फरवरी में आपके एग्जाम्स होंगे दिसंबर वाले, और यूनिवर्सिटी हैज देयर फॉर एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग टिल 31 दिसंबर 2020 फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे फिर से जो है डेट बढ़ा दी गई है, वो डेट जो है 31 दिसंबर रखी गई है। लेकिन एक बात और बता दें, मुझे नहीं लगता कि अब आगे चल के डेट ये बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम रह गया था इस ईयर को एंड होने में, इसलिए उन्होंने 15 डेज का आपको टाइम दे दिया है। तो अब इसके आगे ये मत सोचिएगा कि डेट बढ़ेगी। अच्छा, डेट किन किन चीजों की बढ़ी है ये भी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेट बढ़ी है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 टू बी हेल्ड इन फरवरी 2021, यानी दिसंबर 2020 में एग्जाम होने थे जो अब फरवरी 2021 में होंगे। तो जो उनके एग्जामिनेशन यानी परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 15 दिसंबर थी, उसको आगे बढ़ा दिया गया और 31 दिसंबर कर दिया गया है, ठीक है। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि परीक्षा फॉर्म भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। दूसरी चीज निकल के आ रही है कि सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020, असाइनमेंट सबमिट करने की जो डेट है वो भी बढ़ा दी गई है, आप 31 दिसंबर कर दी गई है 15 दिसंबर के बजाय। ओके, थर्ड है सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, फील्ड वर्क, जो जर्नलिस्ट डिजर्टेशन और ईपीसी इंटर्नशिप एक्सेट्रा जो भी होते हैं, इन सभी की डेट भी बढ़ा दी गई है, वो कर दी गई है 31 दिसंबर। तो यहाँ पे तीन जो है, थ्री वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन लेकर, लेकिन थ्री इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है कि असाइनमेंट की डेट बढ़ा दी गई है, और जो आप एग्जाम फॉर्म परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं उसकी डेट बढ़ा दी गई है, और जिन लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने होते हैं, ठीक है ना, डिजर्टेशन बनाने होते हैं, इंटर्नशिप वगैरह होता है, इनकी भी डेट जो है बढ़ा दी गई है, और सभी की डेट है वो 31 दिसंबर है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। बहुत से मेरे पास जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कभी आते थे कि असाइनमेंट की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या कब तक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे गुड न्यूज है कि जो असाइनमेंट की डेट है वो बढ़ा दी गई है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। ओके, और जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये इग्नू गाइडेंस ने वीडियो डाला है और आप तुरंत उसे वॉच कर सकते हैं। तो ये थ्री नोटिफिकेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप पे, और एक चीज और कहना चाहूंगी कि कमेंट इसके भी आ रहे हैं कि जो मैं लेक्चर वीडियो डाल रही हूँ तो उसमें कि अब तो एग्जाम नहीं होंगे, तो प्लीज आप इस चीज को समझिएगा कि एग्जाम जो है वो जिन लोगों का एडमिशन जुलाई 2019 यानी जुलाई 2019 का है, उन लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे, उनको जो है पास कर दिया गया है। और कुछ जिनका एडमिशन जनवरी 2020 का है, उन लोगों के भी जो एग्जाम्स कुछ सब्जेक्ट में, जैसे BCA, MBA वगैरह, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे उनको पास किया गया है, ठीक है ना, प्रमोट किया गया है,
अदरवाइज आप सभी लोगों को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और जिनका एडमिशन 2019 का नहीं है, जुलाई 2019, जनवरी भी नहीं, जुलाई 2019 का नहीं है, उनको एग्जाम्स देने हैं। और खासतौर पे न्यू स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी में या जून में एडमिशन लिया है 2020 में, उनको भी यहाँ पे एग्जाम्स देने होंगे। और जो बैक पेपर जिनके बचे हुए हैं जुलाई 2019 के, जनवरी 2019 का हो या उसके पहले का 17-18 का हो, तो उनको भी एग्जाम्स देने होंगे। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि सिर्फ जुलाई 2019 के जिन लोगों के एडमिशन है उनको सिर्फ यहाँ प्रमोट किया गया है, और इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट चुने हुए हैं जो जुलाई जनवरी 2020 के लिए गए हैं, वरना सभी को एग्जाम से देने हैं। तो इस भ्रम में आप मत रहिएगा, अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए और अच्छे से समझिए कि नोटिफिकेशन क्या कह रहा है और इन्होंने किन लोगों को प्रमोट किया है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।